नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनीष वीरजी टेक्निकल में। दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे दो स्विच, एक रेगुलेटर और एक 5-पिन सॉकेट, रेगुलेटर का पंखे के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी हम आपको हमारी वीडियो के माध्यम से बताएँगे। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक 5-पिन सॉकेट, दो स्विच और एक रेगुलेटर। रेगुलेटर को हम आपको बल्ब के साथ कनेक्ट करना भी बताएंगे कि रेगुलेटर को कैसे चेक किया जाता है। इसी तरह आप जैसे हम बल्ब का कनेक्ट करेंगे वैसे ही आप पंखे के साथ भी किसी का कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले हम दोनों स्विचों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने स्विच का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कर दिया है। अब हम 5-पिन सॉकेट का एक स्विच के साथ कनेक्शन करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको हमारी हर वीडियो में बताया जाता है कि 5-पिन सॉकेट के जो राइट वाला जो पॉइंट है वो हमेशा न्यूट्रल का तार होता है, जो हमेशा स्विच के साथ हम वहाँ पर कनेक्ट करके आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5-पिन सॉकेट का हमने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों वीडियो को कोई भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि कनेक्शन आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों हम रेगुलेटर का अब स्विच के साथ कनेक्शन करेंगे। इसके लिए रेगुलेटर का आप कोई सा भी एक वायर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगा दीजिए, जिससे स्विच के साथ आप फैन को कनेक्ट करना चाहते हो उस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में एक रेगुलेटर का वायर लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि हम इसी वाले स्विच से रेगुलेटर का कनेक्शन करेंगे इसलिए हमने उस वाले पॉइंट में ये लगाया है। अब जो 5-पिन सॉकेट का हम जो स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले एक फेज का वायर हम 5-पिन सॉकेट के लेफ्ट वाले पॉइंट में लगाते हैं, जो फेज का तार होता है, और एक वायर हम जो मेन लाइन का देते हैं, तो एक वायर हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट से देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने मेन लाइन के दोनों वायर लगा दिए हैं। अब हम आपको बल्ब के माध्यम से रेगुलेटर को चालू करना और बंद करना बताएंगे कि रेगुलेटर सही है नहीं, किस प्रकार काम करता है। आप जैसे हम बल्ब का कनेक्शन कर रहे हैं रेगुलेटर के साथ, वैसे ही आप फैन का भी इसके साथ कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक वायर, अगर मैं हम बल्ब का ले रहे हैं तो आप एक वायर फैन का भी लेके रेगुलेटर के एक पॉइंट में लगा के टेपिंग कर दीजिए। देखिए दोस्तों, हमने बल्ब का एक पॉइंट रेगुलेटर के साथ कनेक्ट कर दिया है और एक वायर हम फेज के वाले तार में लगाएंगे। दोस्तों हम इस बोर्ड को चालू करके भी आपको बताएंगे बल्ब को चालू करना बंद करना, रेगुलेटर किस तरीके से काम करता है। जिस प्रकार बल्ब की स्पीड बढ़ेगी उसी प्रकार फैन की स्पीड कम तेज़ कैसी होती है वो भी हमारी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। दोस्तों अब हम दोनों वायरों पर टेपिंग कर देंगे, क्योंकि टेपिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। इससे क्या, करंट का डर नहीं रहता और बाद में कभी परेशानी भी नहीं आती है। दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी कनेक्शन करना आराम से आ जाए। देखिए दोस्तों, हम खुले वायर को टेपिंग कर देते हैं ताकि कनेक्शन का डर ना रहे और हम आपको अच्छे से समझा सकें। दोस्तों जिस किसी को भी अगर कनेक्शन करने में या किसी प्रकार के कनेक्शन करने में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम आपका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम मेन लाइन के दोनों वायरों को लाइट के साथ कनेक्ट करते हैं और हम आपको चालू करके बताते हैं कि हमारे द्वारा जो भी कनेक्शन अभी हुआ है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा।
ठीक है दोस्तों, सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमने जो भी कनेक्शन किया। आपको अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों हम लाइट के साथ बोर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं, फिर आपको बताते हैं कि हमारे द्वारा कनेक्शन सही हुआ या नहीं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रेगुलेटर का जो स्विच के साथ हमने कनेक्ट किया है, एक पाइप इन सॉकेट को स्विच के साथ कनेक्ट किया है, वो कैसे काम करता है ये हम आपको अभी बताने वाले हैं। दोस्तों हमने एक होल्डर लिया है, होल्डर में बल्ब भी लगा दिया है, क्योंकि हमने रेगुलेटर का जो कनेक्शन किया है वो बल्ब के माध्यम से चालू करके बंद करके बताएंगे। आप जिस तरीके से हमने बल्ब का कनेक्शन किया उसी तरीके से आप फैन के दोनों वायर, और जैसे बल्ब के दोनों वायर का हमने कनेक्शन किया वैसे आप फैन के दोनों वायर इसी तरीके से कनेक्ट करके फ़ैन को चालू कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं, और उसका रेगुलेटर के साथ कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम आपको चालू करके बोर्ड को बताते हैं और स्विच के साथ कनेक्ट करवा के आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने बल्ब चालू करके आपको बताया, रेगुलेटर जैसे जैसे कि स्पीड बढ़ाते हैं जैसे जैसे बल्ब तीव्र गति से जलने लगता है, तो इससे यह पता चलता है कि हमारे द्वारा किया हुआ कनेक्शन एकदम सही है और जो रेगुलेटर हमने नया नया लगाया वो रेगुलेटर भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों इस रेगुलेटर में 7 स्पीड है, तो 7 स्पीड तक हम आपको चालू करके बंद करके बता रहे हैं। देखिए दोस्तों एक एक पॉइंट जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे बल्ब की तेज़ी भी होती जाती है। देखिए दोस्तों हमने आपको रेगुलेटर के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, आप इसी तरीके से फ़ैन का कनेक्शन भी कर सकते हैं और उसकी स्पीड को कम या तेज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम अब लाइट के तार हटा देते हैं और सीरीज के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो 5 पिन सॉकेट का स्विच के साथ कनेक्शन हुआ ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। देखिए दोस्तों सीरीज चालू हो गई है, मतलब कि हमने जो भी कनेक्शन किया है वो दोनों स्विच प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, रेगुलेटर भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और 5 पिन सॉकेट भी स्विच के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा किया हुआ कनेक्शन अगर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों शेयर ज़रूर करें। दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके सब्सक्राइब आप चैनल को कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम आपके सामने नई वीडियो लेके आएँ तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।